हम सिर्फ खुद को ही मास्टर समझते हैं। तुमने एशिया का रास्ता और तुमने अमेरिका दरियाफ्त करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? अगर तुम ना करते तो शायद कोई और कर लेता। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के चेहरे बुरे लगते हैं, हमें एक दूसरे से नफरत हो चुकी है। जनाब बच्चे घर छोड़ के आ जाते हैं, वरना वालदैन बच्चों को घर से निकाल देते हैं। फिर जनाब इबलीस को भी इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने उन भाइयों को जिन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, उनके बारे में झूठ भी बोला, उन्हें कुएं में भी फेंक दिया, अगर तस्लीम करना है दूसरों को तो करना कैसे है? आपके सामने एक शख्स है और उस शख्स को आप तस्लीम नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि शख्स एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं। जिसको अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट किया है उसे रिजेक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? जो लोग हमें बुरे लगते हैं, हो सकता है हम उनको बुरे लगते हों। अस्सलामुअलैकुम। जनाब एक शहर के लोग चिड़ियों को बहुत नापसंद करते थे। वही चिड़ियाँ जो अल्लाह ताला की बहुत मासूम मखलूक हैं और जिनके चहकने से हम रोज़ जागते हैं। जनाब उन्हीं चिड़ियों को वो लोग अपने शहर से ख़त्म करना चाहते थे। लिहाजा उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च की, चंद ऐसे स्प्रे और ऐसी अद्वियात ईजाद की जिनसे चिड़ियों का खात्मा किया जा सके। जब उन्होंने अपने शहर में वो स्प्रे किए, वो अद्वियात जगह जगह पर रख दी, तो उनके शहर से चिड़ियाँ ख़त्म हो गईं। जब चिड़ियों का खात्मा हुआ तो वो सब बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रह पाई। उनके ऊपर एक जैसे आफत नाजिल हो गई, वो सब बीमार होने लगे, जैसे वो भूख से मरने लगे थे, क्योंकि सारे कीड़े उनकी फसलों को खा रहे थे। वो जहाँ भी देखते उनके शहर में उन्हें कीड़े ही कीड़े नज़र आने लगे। जनाब शायद वो इस बात से बेखबर थे कि चिड़ियाँ कीड़ों को खाती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जिनके शायद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेजेंड है कि कोलंबस से एक दावत में किसी ने पूछा कि तुमने एशिया का रास्ता और तुमने अमेरिका दरियाफ्त करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया है? अगर तुम ना करते तो शायद कोई और कर लेता। इस पर कोलंबस ने चंद अंडे मंगवाए। उसने हाजरीन से कहा कि इन अंडों को टेबल की सतह पर ज़रा सीधा खड़ा करके दिखाइए। सबने बहुत कोशिश की लेकिन वो सब नाकाम रहे। अंडे को सीधा खड़ा करने की कोशिश करते लेकिन किसी ना किसी तरफ अंडा गिर जाता। अब इस पर कोलंबस ने एक अंडा उठाया और अंडे की जो नोक थी उसे टेबल पे थोड़ा सा मारा और उसे उसकी नोक को पिचका दिया, फिर वो अंडा बासानी खड़ा हो गया। इस पर हाजरीन ने कोलंबस से कहा कि ये तुमने कौन सा बड़ा काम किया, अभी हम तुम्हें अंडा सीधा खड़ा के दिखाएं। तो इस पर कोलंबस ने बताया, उन्हें पैगाम दिया कि जब एक काम हो जाता है तो वो सबको ही आसान लगने लगता है, सबको ईजी लगता है, लेकिन सिकंदर और कामयाब शख्स वही है जो हर काम में पहल करे। जनाब हम भी अपनी लाइफ में लोगों के जो है उनके टैलेंट को, उनके फ़न को, उनकी महारत को एक्सेप्ट नहीं करते। हम सिर्फ खुद को ही मास्टर समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर शख्स अपने फ़न में हर शख्स को महारत हासिल है। जनाब अगर दो लोग हैं, एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं हो सकता, जो इंजीनियर है उसे डॉक्टरी का काम नहीं आता। सो हर शख्स अपने ही फ़न में माहिर है। अपने आप को सिर्फ मास्टर नहीं समझना चाहिए। देखिए जनाब मेरी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा मसला है तस्लीम ना करने का मसला। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के चेहरे बुरे लगते हैं, हमें एक दूसरे से नफरत हो चुकी है। जनाब अगर एक घर में पांच लोग हैं तो उन पांचों का नज़रिया, उनकी सोच, उनका रवैया सेम नहीं है, उनकी पसंद सेम नहीं है। अगर किसी को मटर पसंद है तो दूसरे शख्स को गोभी पसंद है, कोई सब्जियां पसंद करता है तो कोई गोश्त पसंद करता है। सो हर किसी की पसंद अलग है। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अनवा के फल और फूल बनाए, वरना अल्लाह ताला चाहते तो वो एक फल वो आम बना देते और एक फूल गुलाब का बना देते, लेकिन इंसान की पसंद उसकी सोच को मद्देनज़र रखा।
जनाब इसी चीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो जो ड्रेसेस हैं जो मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर्स के शूज़ हैं वो मार्केट में होते हैं, वरना एक ही डिज़ाइन का और एक ही कलर का वो लोग सूट ना बना देते, लेकिन नहीं, हर इंसान अलग अलग पसंद करता है, हर इंसान अलग अलग सोच रखता है। हमें एक दूसरे के चलने फिरने के यहाँ तक कि उनके चलने फिरने के स्टाइल पे भी इख्तलाफात हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। एक्सेप्टेशन का जज्बा ना होने की ही वजह से बहुत सी तलाकें हो रही हैं, रिश्तेदारों के दरमियान इख्तलाफात हो रहे हैं, जनाब बच्चे घर छोड़ के आ जाते हैं, वरना वालदैन बच्चों को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग तस्लीम नहीं कर पाते। लेकिन जनाब अगर आपने दूसरों को तस्लीम कर लिया तो आपसे बहादुर इंसान कोई नहीं हो सकता, आपसे कामयाब शख्स कोई नहीं हो सकता। देखिए जनाब इब्लीस को भी इसी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट नहीं किया, तभी तो उसे जो है फ्यूचर में भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा और उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनाब एक्सेप्ट करने की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने उन भाइयों को जिन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, उनके बारे में झूठ भी बोला, उन्हें कुएं में भी फेंक दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों को भी तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जनाब अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अब अगर दूसरों को एक्सेप्ट करना है, तस्लीम करना है, तो कैसे करना है, क्योंकि हमसे तो दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। देखिए पहले आपको एक मिसाल दे दूँ, देखिए अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन 40 बच्चों की सोच, उनका रवैया, उनका नज़रिया सेम नहीं हो सकता। टीचर को चाहिए कि उन तमाम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करके देखे कौन सा बच्चा तनकीद से पढ़ता है, कौन सा स्टूडेंट लाड से पढ़ता है, कौन सा गुस्से से, तो कौन सा तारीफ़ से पढ़ता है, जिस तरीके से जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसे उस तरीके से एक्सेप्ट करके पढ़ाया जाए। बेहतरीन उस्ताद वही होता है जो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करके उनकी जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं उस तरह से पढ़ाए। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अगर तस्लीम करना है दूसरों को तो करना कैसे है। देखें आपके सामने एक शख्स है और उस शख्स को आप तस्लीम नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं कि शख्स एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं, तो अपने जहन में ये बात लाएं कि अगर ये शख्स आपकी नज़र में एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है तो खालिक हकीकी ने इसे एक्सेप्ट करके क्यों दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इन सबको अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट किया है, तभी तो वो आराम से अब दुनिया में आके सांस ले रहे हैं। सो जनाब जिसको अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट किया है उसे रिजेक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? जब आप इस चीज़ को सोचेंगे ना तो आप दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा जो लोग हमें बुरे लगते हैं हो सकता है हम उनको बुरे लगते हों, लेकिन कामयाब और बहादुर और हकीकी हीरो वही है जो दूसरों को तस्लीम करे, उन्हें एक्सेप्ट करे। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। अभी सब्सक्राइब करें रानी ईमान फातिमा के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बनी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम वीडियोस को आप लाइक भी ज़रूर करें ताकि जब भी इस मोटिवेशनल चैनल पर कोई नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।